प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के प्रश्न से। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प है ए अज्ञानता, बी दरिद्री, सी धैर्य अथवा डी भाग्यमान। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी धैर्य। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? वह मुझसे भयभीत है, कमल का पुष्प सुकोमल होता है, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, या फिर प्राय ऐसा सोचते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प बी कमल का पुष्प सुकोमल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली पंचवर्षीय योजना का डैश तैयार किया जा रहा है, रूप, प्रारूप, कार्यक्रम अथवा रूपरेखा। तो उत्तर का विकल्प बी प्रारूप। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से तनय किसका पर्यायवाची शब्द है? पिता, पुत्री, पाप अथवा पुत्र। उत्तर है विकल्प डी पुत्र। आगे बढ़ते हैं। अगध अंगद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। रोग रहित बालिका पुत्र, आलस्य आलस्यहीन, बादल समुद्र, या फिर दुर्लभ प्राप्ति। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए रोग रहित बालिका पुत्र। अगला प्रश्न। जो पिया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पे, अपे, रस या फिर अगे। उत्तर है विकल्प बी अपे। अगला प्रश्न। पड़ोस का तत्सम शब्द है प्रथिल, प्रतिवासी, प्रतिवेश अथवा परसों। सही विकल्प होगा विकल्प सी प्रतिवेश। अगला प्रश्न देखेंगे। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला मुहावरे का अर्थ है, अच्छी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता, निरर्थक नाम, सब प्रकार से लाभ या फिर खुशियां मनाना। उत्तर होगा विकल्प ए अच्छी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पृथ्वी, चांदी, मूंग अथवा हाथी। उत्तर है विकल्प डी हाथी। अब अगला और अंतिम प्रश्न। मेरी घड़ी खो गई वाक्य में कौन सा कारक है? करंट कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो सही जवाब है विकल्प बी संबंध कारक। चलिए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विद्यालय में कौन सी संधि है? बी गुण संधि, सी अयादि संधि अथवा डी यण संधि। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में इस प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।